अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बकरीद स्पेशल बहुत ही मजेदार बीफ निहारी की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी और बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। इस निहारी को बनाने के लिए आज हम होममेड निहारी मसाला भी बनाएंगे, तो रेसिपी बहुत ज्यादा मजेदार है। लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो जाए। तो चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। निहारी बनाने के लिए अब आपने एक पतीली में तकरीबन आधा कप से पौना कप के बराबर आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने मीडियम साइज की दो प्याज आपने बारीक स्लाइस करके वो शामिल करनी है। प्याज को जो है आपने फ्राई कर लेना है, इसका कलर जो है चेंज हो जाए। तो फिर इसके बाद आपने इसके अंदर डेढ़ खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरीके से एक आधा मिनट फ्राई कर लेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। फिर उसके बाद इसके अंदर बीफ शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ लिया है। घर की निस्बत जो है वो हमारी बोटियाँ जो है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है। जो बाजार की निहारी होती है उसमें थोड़े बड़े बड़े साइज की बोटियाँ होती हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो घर के निस्बत मैंने थोड़ी सी बोटियाँ साइज में बड़ी ली हैं। बस आपने इसको बीफ को भी अच्छी तरीके से प्याज और अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेना है। जब बीफ का कलर चेंज हो जाए तो फिर इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। डेढ़ खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक खाने का चम्मच नमक या हसबे जायका। बस अब आपने इसको अच्छी तरीके से भूनना है और इसके अंदर आपने तकरीबन एक से डेढ़ लीटर पानी शामिल करना है कि आपका बीफ जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। अब आपने इसको एक से डेढ़ घंटा कवर करके कुक कर लेना है। तो देखें तकरीबन एक से डेढ़ घंटा हो चुका है, सारा इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और इसका जो रोगन है या तरी या ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब आपने इसको निकाल लेना है एक बाउल में और इसको हम सर्विंग के टाइम यूज करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर एक मसाला शामिल करना है जिसमें है मेरे पास एक खाने का चम्मच जीरा, एक खाने का चम्मच सौंफ और एक खाने का चम्मच सौंठ। सौंठ कहते हैं अदरक पाउडर को। अच्छा, आपने जीरा और सौंफ जो है वो साबुत एक एक खाने का चम्मच लेना है और फिर आपने उनको ग्राइंड करना है। आपने वो इसमें शामिल कर देना है। आप इसकी जगह कोई भी निहारी मसाला ले सकती हैं, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगी ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी निहारी इतनी ज्यादा मजेदार बनेगी ना, पूरे किचन में आपकी खुशबू हो जाएगी। बस अब आपने इसके अंदर मजीद 3 से 4 गिलास पानी शामिल करना है और इसको आपने कवर करके 35 से 40 मिनट आपने इसको कुक कर लेना है। जब 35 से 40 मिनट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर इसके अंदर हम आटा शामिल करेंगे। वैसे तो हम निहारी में आटा शामिल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक खाने का चम्मच बेसन, एक खाने का चम्मच मैदा और एक खाने का चम्मच नॉर्मल आटा शामिल करेंगे। तो बेसन को और आटे को जो है वो मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके अंदर एक चुटकी जर्दा फूड कलर शामिल करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके लम्स फ्रीज का घोल तैयार कर लेंगे। 40 मिनट हो चुके हैं, निहारी में जो है वो अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब आपने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल मीडियम लो कर देना है और इसमें जो हमने आटा और मैदा बेसन वाला घोल तैयार किया था वो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और चम्मच जो है वो आपने हिलाते रहना है। ठीक है, कंटिन्यूस आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। जब सारा बैटर आप इसमें डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 1 से 2 मिनट तक आपने इसको कुक कर लेना है ताकि बेसन मैदा और आटे का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो देखें तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुका है, निहारी में जो है वो अच्छा सा बॉयल आ गया है और निहारी की शक्ल देखें बिल्कुल बाजार जैसी लगने लगी है। तो अब आपने इसके अंदर जो है वो गरम मसाला शामिल करना है 1 खाने का चम्मच। मैंने ये होममेड बनाया है। आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 से 2 फूल बादियान के, 1 से 2 स्टिक दालचीनी, 5 से 6 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद सब्ज इलायची और थोड़े से टुकड़े जायफल और जावित्री के। बस अब आपने इन सब चीजों को जो अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। जब ग्राइंड हो जाए तो फिर इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा बाल बाल से होंगे जो दालचीनी वगैरह के होंगे, उनको भी आपने जो है अच्छी तरीके से छानने के बाद दोबारा जो है वो आपने इसको ग्राइंड कर लेना है और फिर आपने उसको भी छान लेना है। ठीक है, तो फिर आपने इसके अंदर से 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर आपने थोड़ा सा पानी में इसमें इसको घोलना है और वो आपने निहारी में शामिल कर देना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे निहारी में बहुत ज्यादा मजेदार फ्लेवर आएगा। उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में रोगन निकाल के रख लिया था सेपरेट करके, वो आपने रोगन इसमें थोड़ा सा शामिल करना है और थोड़ा सा आप अपने सर्विंग के टाइम इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बस जी, हमारी बहुत ही मजेदार बीफ निहारी रेडी है। तो अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। एक सवाल जो मैं आप सबके जहन से क्लियर कर दूं, क्योंकि जब भी हम कोई होममेड मसाला बनाते हैं तो सबके जहन में एक सवाल आता है कि पता नहीं इसका टेस्ट वैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपने एक एक स्टेप और एक एक इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बिल्कुल सेम फॉलो करी है तो कोई इतनी मजेदार या आपकी निहारी बनकर तैयार होगी। तो बस आपने बहुत ही मजेदार सी निहारी बनानी है इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। इसके ऊपर निचोड़ना है लीमू और इसको आपने गर्मा गर्म नान के साथ जो वो सर्व करना है। तो एक बार आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।